हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं करता क्या हूं कि जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं उसका मैं प्रॉपर रिप्लाई देता हूं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको कल सुबह 8 बजे प्रीमियर होगा, तो प्लीज तब तक आप थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। तो यूजर NQ7 सर ने बोला है कि सर मैंने काउंसलर से बात की थी तो वो बता रहे थे कि आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी और परमानेंट एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको डोमिसाइल एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रहा है तो बस आपकी डोमिसाइल सही होनी चाहिए और उसकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए, लेकिन आपका ये कहना है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है परमानेंट एड्रेस से, ठीक है। एक काम कीजिएगा, अभी आपका जैसे CGTME की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आप रजिस्ट्रेशन करके कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया तो फिर आपको फिर सीट्स मिल जाएगा, आप यहाँ पे CG में काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं कर सकते। आप एक बार जब CGTME की काउंसिलिंग स्टार्ट होगी ना, तो उस समय रजिस्ट्रेशन करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, संध्या 887 उन्होंने पूछा है कि इन CG बॉन्ड फ्री गवर्नमेंट BDS कॉलेज कौन सी है। देखिए, जितने भी BDS कॉलेजेस है ना, उन सब में सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, उसमें आपको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में है ना, तो आपको 5 लाख रुपए, या कैटेगरी में है तो फिर आपको 3 लाख रुपए पे करना होता है, ठीक है। भावर लाल 736 ने पूछा है कि सर लकी 147 ने पूछा है कि सर 516 EWS पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अच्छा, 516 EWS, देखिए इससे आपको पता चल जाएगा। और चूंकि बहुत सारे मैसेज ये आ रहे थे कि सर ये इतना लो कट ऑफ किस स्टेट का है, तो देखिए मैं पहले ही ऊपर में लिख दिया हूँ, छत्तीसगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, वैसे ही मैं आपको बिहार का भी बात करूंगा, यूपी का भी बात करूंगा, MP का भी बात करूंगा, और महाराष्ट्र की बात करूंगा। आने वाले समय में मैं अपनी सीरीज को एक्सपेंड करूंगा, जो अभी अपन छत्तीसगढ़ के बारे में जो ज्यादा बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अपन अदर स्टेट्स के बारे में भी बात करना शुरू करेंगे, ताकि जो अदर लोग हैं उनका भी डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो देखते हैं अपन आगे जो है 516 EWS पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप यहां से देख सकते हैं। देखिए 516 देखा जाए, जैसे 507 देखा जाए तो ये वाला कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए जैसे 502, तो 2 और प्लस 15 मतलब 17, इसका मतलब ये है कि अंबिकापुर या उसके नीचे आपको मिल जाएगा। ये अंबिकापुर और उसके नीचे के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका सवाल का जवाब मिल गया सर, 611 स्कोर कहने गेट MBBS ऑल इंडिया कोटा जनरल EWS आपको काउंसिलिंग में मिल सकता है, 90-10 का रेशियो है, 611 का मार्क्स नहीं होता, EWS में मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा में मिल सकता है। मुझे BSc नर्सिंग की फीस जाननी है, ठीक है सर। 362 मार्क्स ST कैटेगरी CG डोमिसाइल से कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है, 362 मार्क्स ST, 362 आप यहां से देख सकते हैं, इसके नीचे आपको सारे मिल जाएंगे। ये आपको है GMC राजनांदगांव, राजनांदगांव से नीचे आपको जो भी आप कॉलेज बोलिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट जनवरी 2023 का बना हुआ है, ये वाला चल जाएगा, नया बनवाना पड़ेगा। देखिए इनकम सर्टिफिकेट डेट वाइज नहीं होता है, ईयर वाइज होता है। आप उसमें पढ़ेंगे ना तो 2022-23 लिखा होगा या 21-22 लिखा होगा, वो अंदर में लिखा हुआ होगा, आप उसको एक बार पढ़िए तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए 2022 मतलब अब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 वाला ही बनवाना है, चाहे EWS हो या चाहे आपको OBC NCL हो, ठीक है। श्रेयांश जायसवाल 4078 का कहना है कि 582 जनरल CG डोमिसाइल सिम्स मिल सकता है क्या, 582 में देखिए यहाँ पर है ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये 579 है और उसमें 7 जोड़ेंगे तो आपको 586 हो जाएगा, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 586, लेकिन आपको है 582, कोई बात नहीं। अगर बिलासपुर नहीं मिला तो इसके नीचे का आपको पूरा मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप काउंसिलिंग कीजिए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% रखा हुआ है, ठीक है। 582 जनरल में बहुत मार्क्स होता है छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है सॉस्के 5611, रैंक बताया है उन्होंने और मार्क्स बताया 495, एनी चांस फॉर प्राइवेट कॉलेज इन लोअर बजट, IIM फ्रॉम महाराष्ट्र। देखिए लोअर बजट मतलब देखिए फीस जो है ना यहाँ का जो भी कॉलेजेस है ये तीनों, इसका 8 लाख रुपए, इसका 7.5, इसका 7.5 लाख है। हॉस्टल इस बार हॉस्टल मेस
और ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शनल किया गया है। बाहर में रहेंगे तो आपको जो कॉलेज जो लगभग 22-25 हज़ार रुपये जो महीने का जो फीस लेती है, आपको बाहर में आपका काम 5 हज़ार रुपये में हो जाएगा। लेकिन अभी उसमें कुछ डाउट भी लग रहा है, हालांकि फीस रेगुलेटरी बॉडी ने इस नोटिस को सीजीडीएमई की वेबसाइट पे अपलोड किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए केवल फीस रेगुलेटरी बॉडी ने केवल नोटिस दिया होगा और उसको वेबसाइट पे नहीं अपलोड किया रहता तो आदमी डाउट में रहता, उसको वेबसाइट पे अपलोड किया है तो मान के चलिए कि 8 लाख रुपए के आसपास आपको ट्यूशन फीस, बाकी आपको हॉस्टल एकोमोडेशन सब ले देके जो अभी लगता है वो 12 लाख रुपए लगता है। लेकिन अगर हॉस्टल आपका ऑप्शन हो जाएगा तो 2 लाख रुपए बच जाएगा, इसके अलावा भी अदर चार्जेस में बोले कटेल कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी आने वाले समय में हर प्राइवेट कॉलेज अपने वेबसाइट पे आपको फी डिटेल्स इशू करेगा। जैसे कोई कॉलेज इशू करता है मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर आप देख रहे हैं ना, तो 10 लाख के आसपास आपको साल का बजट रखना ही पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेज ज्यादा होगा तो एमबीबीएस वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप भविष्य की चिंता क्यों करते हैं, मैं तो जहां तक देखा हूं कि जिसके पास टैलेंट है उसको कभी जॉब की दिक्कत नहीं होती है। जैसे एक एक और मैंने पढ़ा था, हाँ यही Anons 40, उन्होंने क्या लिखा, देखिए कितनी निगेटिव बातें लिखते हैं। विद सो मेनी मेडिकल कॉलेज देयर विल बी सर्ज इन द नंबर ऑफ एमबीबीएस ग्रेजुएट्स दैट विल रिजल्ट इन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एमबीबीएस ग्रेजुएट। आई सीरियसली होप एमबीबीएस डज नॉट टर्न इनटू द समथिंग लाइक बीडीएस एंड बीटेक। देखिए बीडीएस तो शुरू से ही उतना ज्यादा फ्यूचर स्कोप्स कभी भी नहीं रहा, एमबीबीएस रहा, स्टार्टिंग में बीटेक भी था। आज भी अगर कोई बच्चा क्वालिटी कॉलेज से मतलब अच्छे कॉलेजेस से जैसे IITs और NITs से अगर उसने बीटेक किया है तो कभी भी वो बेरोजगार नहीं बैठ सकता। आज भी IIT का जो जनरल पैकेजेस जो है ना वो लाखों में करोड़ों में जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि बीटेक वाले अनएम्प्लॉयड इसलिए रह गए क्योंकि बीटेक का उनको सिर्फ डिग्री मिल रहा था, नॉलेज नहीं। अगर वही चीज एमबीबीएस में होने लगे कि भाई आपके पास केवल डिग्री रहेगा नॉलेज नहीं, तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी और उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो एमबीबीएस एक क्वालिटी डिग्री है, ठीक है, इसमें कभी भी उस तरह की सीन नहीं आ सकती है। हाँ मैं आपको वही बात बोलना चाहता हूँ कि डिग्री में प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्किल्स में प्रॉब्लम होता है। अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से कोई कोर्स किया है तो कभी भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, आपको हमेशा नौकरी रहेगा, और नौकरी क्या, हजारों नौकरी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर, छत्तीसगढ़ के श्री शंकराचार्य श्री बालाजी इंस्टीट्यूट की टोटल फीस। देखिए फीस से रिलेटेड मैंने एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाया, आप अगर बोलेंगे तो मैं फिर से बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार वेबसाइट पे आ जाए उसके बाद मैं बनाऊं ताकि इसका यूज हो सके। सर बीएससी नर्सिंग के बारे में उन्होंने बताया, 565 ओबीसी छत्तीसगढ़ डोमिसाइल क्या नंदन जीएमसी मिल जाएगा ओबीसी 565 ओबीसी है ना, तो देखिए 565 ओबीसी यहाँ पे 565 ये देखिए 555 है, 10 जोड़िएगा 65। हाँ बिल्कुल राजनांदगांव के आसपास में ही है, मतलब राजनांदगांव मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप उस रेंज में आते हैं क्योंकि राजनांदगांव का लास्ट ईयर कटअप 555 गया था और मेरे हिसाब से आपको 10 मार्क्स और जो होना चाहिए, अगर इसको 2023 का बनाते हैं तो 565 ही है होना चाहिए और आपको 565 है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट राउंड का ये नहीं है, ये सेकेंड राउंड का है और ये वाला तो मॉपअप का है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में तो मान के चलिए आपको नहीं मिलेगा, फर्स्ट राउंड में आपको कोई नीचे वाला ही मिलेगा, लेकिन मिल जरूर जाएगा, लेकिन आप उसके बाद अपग्रेडेशन में डाल दीजिएगा तो सेकेंड राउंड तक आपको राजनांदगांव मिल जाएगा। ठीक है, और मॉपअप में तो जाने का चांस ही नहीं क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में अगर गवर्नमेंट मिल गया तो मॉपअप में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते, ये रूल बोलता है। इतना कम कट ऑफ जाता है कौन सा स्टेट है, भैया छत्तीसगढ़ है, नूरल शेख साहब ने बोला छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में इतना ही जाता है। मोहम्मद समी सर ने पूछा है कि सर पीजी कोटा क्या होता है। देखिए हर कॉलेज का अपना एक कोटा रहता है, जो अपने इंडिविजुअल जो उनके यहाँ पर्चे पढ़ रहे हैं उनको वो देते हैं, हालांकि नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू आएगा तो मे बी रूल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम लोग कोई कॉमेंट नहीं करेंगे। ओपन स्टेट कोटा 435 फ्रॉम महाराष्ट्र एडमिशन होगा क्या, 400 से ऊपर है ना तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, आप मैनेजमेंट कोटा में आएंगे। ठीक है, आप प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए, सीजीडीएमए की वेबसाइट के थ्रू काउंसलिंग होता है, अगर आप उसके थ्रू काउंसलिंग करेंगे तो, और मैनेजमेंट कोटा फीस आपको बताया 10 से 12 लाख रुपए मान के चलिए। ठीक है, 10 लाख का तो बजट लेके चलिए, बाकी आने वाले भविष्य में अगर कम होगा तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। सर एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन सीजीटीएमए की काउंसलिंग से होगा। ठीक है, तिलेश्वर वर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर जीएमसी रायगढ़ और जीएससी अंबिकापुर में कंपेरिजन कीजिए। अच्छा जीएमसी रायगढ़, एक मिनट, जीएमसी रायगढ़ ठीक है, और जीएमसी अंबिकापुर दोनों एक मतलब एक स्टेप अंबिकापुर नीचे है एक स्टेप ऊपर है।
देखिए तिलेश्वर जी, मैंने इसका वीडियो नेक्स्ट पिछले साल अभिषेक सर ने बनाया है, आप प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और इस बारे में सर्च कीजिएगा, आपको रायगढ़ और अंबिकापुर के बीच का कंपैरिजन वाला वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है सुमन सिंह IU5JL, सर EWS कोटा में छत्तीसगढ़ में 574 मार्क्स PTJNM मिल सकता है क्या? फीमेल, फीमेल कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं होता, वो सब कैटेगरी होता है, ठीक है। तो EWS अगर देखा जाए तो EWS का मेरा जो उम्मीद है वो है 561 और आपका है 574, मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो घबराइएगा मत, फर्स्ट राउंड में भी हो सकता है आपको लोअर कॉलेजेस मिले, लेकिन सेकंड राउंड में अगर आप अपग्रेडेशन में डालिएगा ना तो 101% आपको सेकंड राउंड में मिल जाएगा EWS, 574 में मिल जाएगा आपको PTJNM EWS मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, एक गलती हो गया, इस बार 556 है तो सिर्फ 5 मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, सॉरी, और 5 और जोड़ेंगे, फिर भी आपको 565 ही आ रहा है, 566 आ रहा है और आपका 574 है, हाँ मिल जाएगा, ठीक है, सेकंड राउंड में मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा। सर छत्तीसगढ़ काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगेगा, और छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट लेने पर हमें ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्ट लेना पड़ेगा, स्टेट काउंसिलिंग में कौन सी हमारी डोमिसाइल राजस्थान की? मैंने वही बात बताया ना कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो ऑल इंडिया का काउंसिलिंग में नहीं जाना है, NCC की काउंसिलिंग में नहीं जाना है, स्टेट की काउंसिलिंग में जाना है जो आपको CGTA में कराती है, पहला। दूसरा जो है वो ये है कि लगभग मतलब 1,00,000 रुपए पिछली बार इन लोगों ने लिया था सिक्योरिटी अमाउंट, फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया तो 1,00,000 रुपए वापस, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सुरक्षित है ना। और हाँ, स्क्रूटनी कराया आपने तो सेकेंड राउंड में भी जा सकते हैं, और स्क्रूटनी नहीं कराया तो सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते। मैं बात प्राइवेट की कर रहा हूँ, सरकारी की नहीं, सरकारी में तो एडमिशन लेना कंपलसरी और 1,00,000 रुपए भी नहीं लगता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सेकेंड राउंड का बात किया जाए तो सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका 1,00,000 रुपये डूब जाएगा, और अगर आपने एडमिशन ले लिया तो या तो वो 1,00,000 रुपये आपके अकाउंट, जिस अकाउंट से पैसा भेजा आपने वो मिल जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट से पेमेंट डालिएगा, या तो फिर वो कॉलेज में चला जाएगा बीइंग आपको फीस के रूप में। अपग्रेडेशन सिर्फ सेकेंड राउंड में होता है, मॉपअप में नहीं होता है। विनय केकटे 96 सर ने पूछा है 336 मार्क्स CG डोमिसाइल OBC कैटेगरी प्राइवेट मिल जाएगा क्या? 336 बहुत करीब है विनय जी, मतलब बहुत करीब है, 325 लास्ट ईयर गया था, इस बार मैं बोल रहा हूँ 25 मार्क्स सबका इंक्रीज होगा, मतलब 350 के आसपास मैं बोल रहा हूँ, 336 तो मेरे हिसाब से शायद ही मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो स्ट्रे राउंड तक है ना, मॉपअप तक तो इम्पॉसिबल, ठीक है। पप्पू गांधी जी ने पूछा है कि नाम भी ऐसा रखते हैं, 471 SC कैटेगरी राजनंदगांव मिलेगा सर? 471 SC कैटेगरी SC कैटेगरी में 471 SC में राजनंदगांव, हाँ मिल जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है ना वो 453 का है, ठीक है, तो 471 में तो आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, पहले ही राउंड में मिल जाएगा आपको, 471 SC कैटेगरी में कम मार्क्स नहीं होता, बहुत होता है, ठीक है सर। अगर केमिस्ट्री में फेल होने के बाद अगर कोई बेटरमेंट नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे ओनली केमिस्ट्री में, तो क्या उसके बेटरमेंट मार्क्स वैलिड होगा नीट काउंसिलिंग में? बिल्कुल वैलिड होगा, आपको बिल्कुल वैलिड होगा, बेटरमेंट भी वैलिड होगा, आप फेल है तो नहीं वैलिड होगा, बेटरमेंट भी होगा। सर आप महाराष्ट्र का काउंसिलिंग बताइए, देखिए मैं वही बात आपको पूरे वीडियो के मार्फत माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाया, मैंने 20+ वीडियोस बनाया छत्तीसगढ़ की काउंसिलिंग कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कौन से कॉलेज में किस कैटेगरी में मिलेगा, और लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया, मतलब इतना प्यार मुझे मिला है, जीवन में कभी मैं इस मुकाम पर तक नहीं पहुंच पाया हूं, और आपके प्यार के कारण से ही आज हमारे चैनल में 4,000 सब्सक्राइबर हो गए, और मैं सभी किसी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ही मुझे इतना प्यार दिया जिसके कारण से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, आज हमारे चैनल पे 4,000+ सब्सक्राइबर है, और मैं आपको वादे के साथ बोलता हूँ कि आपको काउंसलिंग नीट 2023 से रिगार्डिंग काउंसलिंग से कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को तुरंत का तुरंत मैं क्लियर करूँ वीडियो बना के, और इसके अलावा अगर कोई भी आपको बात हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर चाहिए आप पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हम लोग पेड काउंसलिंग भी करते हैं, और आप खुद से करना चाहेंगे तो हम आपको गाइड भी कर देंगे, दोनों ऑप्शन है, उसमें कोई ये नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है 318 ST
फर्स्ट राउंड में मिलेगा क्या कोई जीएमसी? देखिए 318 अगर देखिएगा ना एसटी में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं रिक्स वाला फैक्टर है, शायद आपको कॉलेज भी ना मिले, फर्स्ट में तो नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सेकंड में मिलेगा और शायद ना भी मिले, मतलब 90-10 का रेशियो, 90% मिले और 10% नहीं मिले। फिर भी एक बार काउंसलिंग जरूर करा दीजिएगा, मैं आपको बोलूंगा काउंसलिंग करा दीजिएगा। कभी कभी कट ऑफ सडनली गिर जाता है, आप काउंसलिंग में पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दूसरे में कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रूल यही कहता है कि आपको पहले फर्स्ट फिर सेकेंड। लेटरल एंट्री सीजीडीएमए में नहीं होती, एमसीसी में होती है, ठीक है। सर ईडब्ल्यूएस 493 फर्स्ट राउंड में मिल सकता है क्या? 493 ईडब्ल्यूएस फर्स्ट राउंड, 493 मिल जाएगा आपको, लास्ट के कॉलेजेस मिलेंगे फर्स्ट राउंड में। लेकिन अगर सेकेंड राउंड तक आप वेट करेंगे ना तो आपको अच्छे कॉलेजेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। 493 कम मार्क्स नहीं होता ईडब्ल्यूएस के लिए, मेरा तो 90 के आसपास का एक्सपेक्टेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, 480 के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। आपको कॉलेज तो कन्फर्म मिल जाएगा, पर वही है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, एक बार आपको काउंसिलिंग से ही क्लियर हो पाएगा। सर आई गॉट 569 मार्क्स सीजी डोमिसाइल बट आई लिव्स इन भिलाई, तो मैं जीएमसी भिलाई लूँ कि बेटर वाला जीएमसी मैं लूँ? देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं बाहर रहने में, ठीक है, बाहर का खाना खाने में कंफर्टेबल है, तो जरूर बेटर वाला लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भिलाई में रहना है, क्योंकि भिलाई अपने आप में एक कंप्लीट मिनी इंडिया कहलाता है, तो बहुत सुंदर शहर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे यहीं पर रहना है, तो जीएमसी दुर्ग भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि 569 में आपको, अगर मान लीजिए इससे देखा जाए जनरल कैटेगरी से, तो 569 में आपको क्या मिलेगा? 569 में आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको रायगढ़ मिलेगा, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई चेंज होगा, है ना। यहाँ पे भी 62 है ना, 69 है आपका, हाँ जगदलपुर भी मिल सकता है, जगदलपुर के नीचे पूरा मिल जाएगा, और दुर्ग भी कोई ख़राब कॉलेज नहीं है, है ना। अच्छा दुर्ग में भी ले सकते हैं, है ना, जगदलपुर भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूर पड़ेगा, मैं तो बोलूँगा दुर्ग में ही ले लिए। बाकी डिसीजन आपका होना चाहिए भाई, मेरे को नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको है, ठीक है, डिसीजन आप खुद लीजिए, स्वयं लीजिए, ठीक है। इतना छोटा सा डिसीजन तो ले ही सकते हैं, भविष्य में आप आने वाले समय में इतना बड़ा बड़ा डिसीजन कैसे ले पाएंगे, जब ये छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो। हाँ 417 एससी कैटेगरी राजनांदगांव मिलने का चांस है क्या? 471 में राजनांदगांव, तो एससी में देखा जाए तो 471 मिल जाएगा आपको राजनांदगांव, ठीक है, यहाँ पे तो आराम से मिल जाएगा राजनांदगांव, आराम से मिल जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है सर सीजी काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट कब है का है? देखिए 10 तारीख के आसपास होना चाहिए, है ना, जहाँ तक मुझे उम्मीद लगता है, आपकी तरह मैं भी वेट ही कर रहा हूँ कि कब काउंसलिंग का डेट आएगा, ताकि मेरा एक और वीडियो बने और आप उस वीडियो को इंजॉय करते हुए देखें, ठीक है, आने दीजिए, मैं बनाऊंगा वीडियो और आपको बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। सर क्या हमें छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज ये क्या एक्चुअल फीस पता चल सकता है क्या, जैसे ट्यूशन फीस, हॉस्टल में कन्वीनियंस और अदर चार्जेस? ठीक है, देखिए जो भी फीस अभी अवेलेबल है ना वेबसाइट्स पे, वो लास्ट ईयर का है, एफआरसी ने फीस चेंज किया है, तो मेरे हिसाब से आपको फीस बदलेगा, पक्का बदलेगा, क्योंकि उसने फीस इंक्रीज भी किया है ट्यूशन फीस को, और बाकी सारी एक्स्ट्रा जो फीसेज है उसको या तो ऑप्शनल कर दिया है या तो हटा ही दिया है। तो अवनी अग्रवाल जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहें तो सबके वेबसाइट्स पे चले जाइए ना, शंकरा के वेबसाइट पे चले जाइए, बालाजी के वेबसाइट पे चले जाइए, इसका हमारे लिए हमारे यहाँ वीडियो भी बना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको राउंड ऑफ में बता देता हूँ, एन SSIMS का 8 लाख रुपये और इसका 7.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये तीनों का आपको हॉस्टल, मेस, ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा 1.5 लाख रुपये अदर, लाइब्रेरी, ये कार्ड, वो कार्ड, डेवलपमेंट, वो सब बहुत सारा, ठीक है। अक्षर खान जी ने पूछा है 607 मार्क्स इतना रैंक ओबीसी कैटेगरी यूपी में मिलेगा क्या एमबीबीएस कॉलेज या ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा? देखिए 607 मार्क्स में ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा, है ना। इन्होंने लिखा है कौन सा मिल सकता है? सर माय डॉटर इज इन वेरी टेंशन। देखिए अब आप इतने बड़े गार्जियन हैं, है ना, गार्जियन हैं, है ना, और आप इतना टेंशन में आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये 607 और ये 706 ये बस एक नंबर है, आप यकीन करें, है ना। अभी आपका 607 अगले साल का 706 हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस चीज को मेरे हिसाब से सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आप यूपी से हैं, यूपी की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिए। मैं इसमें बहुत ज्यादा कमिट नहीं करूंगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी टेंशन में है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीवन में टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। जो मैं आपको एक आपसे, हो सकता है मैं छोटा हूं, पर आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि प्लीज़
क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो बच्चा पॉजिटिव रहेगा, और ये 607 कब 706 में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर बच्चा सीधे एम्स में मिलेगा, है ना। तो मैं आपको यही बात बोलूंगा, प्रॉपर काउंसिलिंग कीजिए, नहीं भी होता है तो बच्चे को ड्रॉप दिलाइए, अगले साल के लिए रखा हुआ है एम्स का सीट, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट है अक्षर खान सर ने फिर से पूछा है, ठीक है चलिए देखते हैं सर, है ना। यूजर सर सीजी में 524 ओबीसी, एनसीएल में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? 524 ओबीसी, देखिए एक्सपेक्टेशन के बहुत करीब हैं आप, 524 ओबीसी, 524 देख रहे हैं आप ओबीसी में, नहीं बल्कि पीछे ही हैं। तो 90-10 90% मिलेगा, 10% नहीं, बल्कि मैं तो बोलूँगा तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना, ठीक है। अगर बाहर भी रहेगा तो वहाँ भी हॉस्टल मेस इतना ही लगेगा, 70 लाख जैसा छत्तीसगढ़। अच्छा मतलब राकेश कुमार जी ने शायद कॉलेज में बात किया है कि बाहर रहो या अंदर रहो फीस उतना ही रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ सभी किसी को कि देखिए फारसी ने जो फीस चेंज किया है उसी की अथॉरिटी है किसी कॉलेज का फीस डिसाइड करने का, और उसने जब बोला है कि भैया चेंज होगा तो कॉलेज वालों को मान लेना चाहिए। अब उसने एक प्रपोजल ये बोला है कि काउंसिलिंग के पहले कॉलेज वाले अपने वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे, तो हमारा फर्ज बनता है इंतजार करने का, आने वाले कुछ समय में वो लोग लगाएंगे, है ना, 10 के आसपास देखते हैं काउंसिलिंग जब शुरू होगा। सर काउंसिलिंग कब से स्टार्ट होगा? वही मैं भी बोल रहा हूँ, 10 के आसपास। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा एक सर ने और पूछा, राकेश जी ने पूछा है सर अभिमन्यु मिश्रा जो नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है वो कैसा है, क्या उसे भी कंसीडर किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले बोलूंगा राकेश जी वो अभिमन्यु मिश्रा नहीं है, अभिषेक मिश्रा सर है, आईपी मिश्रा सर है, उनके बेटे हैं, बेटे थे, है ना, अभी लेट हैं, तो कॉलेज को मान्यता भी नहीं मिला है, लेकिन आप मान के चलिए काउंसिलिंग पहले मिल जाना चाहिए, है ना, क्योंकि काफ़ी इसके बारे में चर्चाएं हैं जो होती हैं, तो काफ़ी चर्चाएं हैं, अगर वो मिल जाएगा तो ये कट ऑफ और डाउन जाएगा ना प्राइवेट का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करेंगे, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे, और आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे चैनल को 4000 सब्सक्राइबर तक ले गए, प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिए, आपका प्यार मेरे ऊपर सदा बना रहे।